हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी जो वेट टॉक सीरीज़ के सातवें भाग के अंदर। वो जो हमारी वेट टॉक सीरीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। इस वेट टॉक सीरीज़ के अंदर कई रोगों का एक साथ समाधान हो जाता है, आपको कई रोगों की इसमें जानकारी मिल जाती है, कई ऐसी ऐसी क्वेश्चनों का जवाब मिल जाता है ताकि आप अपने पशुओं पर जो लागू कर सकते हैं या अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं, प्राइमरी इलाज कर सकते हैं। हो सके तो आप अपने पशुओं का जो पशु चिकित्सक की सलाह लेकर के आप अपने पशुओं का इलाज करा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वो आप अपने पशुओं पर खुद करें, आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिल करके उसकी चीज़ का समाधान कर सकते हैं। जो जितने में लिक्विड और फिट सप्लीमेंट बता रहा हूँ आप अपने पशुओं को आप अपने खुद के अनुसार दे सकते हैं। यदि आपको इंजेक्टेबल लगाना आता है तो आप इसका इलाज आराम से कर सकते हैं। इसलिए वेटोक्स जरूर, हमारी जो हर सीरीज़ है ना वो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है। इसलिए मेरी वीडियो लंबी ना होकर आप जल्द स्किप ना करें और आप मेरी वीडियो देखें। बहुत से मेरे जो मित्रों ने कहा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं धीरे धीरे बोलने की, लेकिन मैं यदि धीरे धीरे आपको बोल बोल के बताऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यश कुमार का। वो कहते हैं कि पशु के पिछले पैरों में पैरालाइज है, सर क्या लगाएं? देखो भाई, आपके यदि पशुओं के पिछले पैरों में पैरालाइज है, मेन बात है कि आपके पशुओं में जो पैरालाइसिस है तो पहले आप ये देखें कि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो पिछले पैर हैं उसके नीचे नीचे वाले भाग में 16 या 18 नंबर की निडल लेकर के उसे क्या है कि क्लिक करें। यदि क्लिक करने से आपका पशु यदि थोड़े पैर हिलाता है डुलाता है तो यदि क्लिक इसमें ब्लड का सर्कुलेशन है तो हो सकता है कि आपके पशु का इलाज संभव है। यदि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आपको कुछ, तो ऐसा है कि उसको थोड़ा समय लगेगा। इलाज तो उसी का भी है लेकिन समय लगता है। इसके लिए आप अपने पशुओं को देसी ट्रीटमेंट के तौर पर ये कि एक सरसों का तेल गर्म करें, उसमें थोड़ी लहसुन की पोथी डाल करके उनके साथ कूट करके उसको थोड़ा गर्म कर लें और उसकी थोड़ी मसाज करें जो पैरों में पैरालाइज है। और इंजेक्टेबल के तौर पर आप जैसे इंजेक्शन नर्वाइकल डिजीज़ के लगा सकते हैं, जैसे मिकोवेट अक्सल है, वो आप अपने पशुओं को 20 ml पर डे के हिसाब से IV लगाना है लगातार 3 से 5 दिन मिकोवेट अक्सल। और इसी तरह उनको नर्वाइकल डिजीज़ है तो न्यूरोकाइंड प्लस आती है जो लिक्विड है, वो आप अपने पशुओं को 100 ml कंटिन्यू लगातार देते रहें। वैसे बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आप अपने पशुओं को पैरालाइज में कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है नर्वाइकल डिजीज़ है इसलिए नर्वाइकल ही ट्रीटमेंट करें। और इसके बारे में मेरा वीडियो भी बनाया हुआ है नर्वाइकल डिजीज़ के बारे में, जब पशु पे खड़ा नहीं हो पाता उसके बारे में क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, उसमें बेहतर से बेहतर बताया गया है। अब अंकित चौधरी कहते हैं कि प्रेग्नेंट पशु को भी कैल्शियम दे सकते हैं क्या भाई? मैंने कैल्शियम के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप मेरी चैनल पर जाकर के दे सकते हैं। फिर भी कई लोगों की भावना आती है कि प्रेग्नेंट पशु को, देखो भाई प्रेग्नेंट पशु को कैल्शियम दे सकते हैं लेकिन कैल्शियम देने से 15 से 20 दिन पहले है ना आप अपने पशुओं को जो प्रेग्नेंट पशु उनका कैल्शियम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उनके स्थान पर आप जो मल्टीविटामिन्स हैं या मिनरल चिलेटेड जो पाउडर आते हैं वो आप अपने पशुओं को दें, क्योंकि कैल्शियम देने से क्या है कि जो बाहर से यदि हम अपने पशुओं को कैल्शियम देंगे और जो पशु के अंदर जो बनने वाला कैल्शियम है वो जाकर के क्या है कि इकट्ठा हो जाएगा, बाहर वाला भी इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि अंदर तो बन ही रहा है, वो जाकर के इकट्ठा हो जाएगा और जैसे ही आपका पशु ब्याएगा उसको मिल्क फीवर यानी दूध की बुखार बनने के सबसे ज़्यादा चांस है। जहाँ तक हो सकता है मेरे के अनुसार 15 से 20 दिन पहले आप अपने पशुओं का कैल्शियम बंद ही कर दें, उसके स्थान पर आप जो मिनरल पाउडर आते हैं वो दें और जो आपके मल्टी विटामिन्स हैं विटामिन है वो आप लिक्विड दें, जैसे वाइटम एच, मल्टी स्टार, ये अडर एच, अडर मैक्स, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं वो आप अपने पशु को दे सकते हैं 10 से 20 ml के इनटू। अब राजेश सांगर कहते हैं 15 दिन की खटड़ी मिट्टी खा गई है तो क्या करें? देखो भाई, यदि आपकी 15 दिन की खटड़ी है तो मिट्टी खा गई है तो बहुत सी समस्या है जो छोटे जो काल्प हैं या जो कठड़ी है उनके अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा दूध पीती हैं, दूध पीने के अंदर क्या करती हैं कि उन्हें पहचान तो होती नहीं है इसलिए वो मिट्टी खाना लग जाते हैं। इसके लिए आप क्या करें कि उन पशुओं को जो एल्बमार आता है लिक्विड, वो आप इनकी कठड़ी को 10-10 ml 15-15 दिन के अंदर आप इनको जो छोटी कठड़ी है उनको 10-10 ml एल्बमार देते रहे, आज जो ये मिट्टी खाने की समस्या ये दूर हो जाएगी, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसका ध्यान ज़रूर रखें आप। अब अमन पाल कहते हैं सर मेरे पास 50-60 बकरी भेड़ है, उसमें से 30-40 का गर्भपात हो गया या भी नहीं रुक रही है, बार बार रिपीट हो रही है, कुछ समाधान बताइए। देखो आपके 50-60 बकरी हैं उनका अबॉर्शन हो गया है,
यदि अबॉर्शन हो गया है तो 50-60 बकरियों की इसमें हार्मोनल डिफिशियंसी हो सकती है या कोई मिनरल डिफिशियंसी हो सकती है, लेकिन जातक हो सकता है हार्मोनल डिफिशियंसी है। इसलिए आप अपने जो भेड़ बकरी हैं उसको ड्यूरा प्रोजन 1-1 ml उन्हें लगाएं। जैसे ही आपका भेड़ बकरियाँ 1 महीना कंप्लीट कर लेती हैं उसे ड्यूरा प्रोजन 1-1 ml लगाएं, और जैसे एक के बाद में तीसरे महीने के अंदर फर्स्ट 1 महीने में और बाद में तीसरे महीने के अंदर आप बकरियों को 1-1 ml ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन लगवाएं, और साथ ही साथ उन्हें मल्टी विटामिन्स जो फिट सप्लीमेंट आते हैं या मल्टी विटामिन्स जो मेडिसिन आती हैं वो आप दे सकते हैं, जिस प्रकार से एड्रेस मल्टी विटामिन्स आती हैं या सार्कोफेरोल आती हैं वो आप अपनी भेड़ बकरियों को दें, ये समस्या से आप समाधान पा सकते हैं। इसी प्रकार रामलाल कटारा कहते हैं कि सर मेरी बछड़ी 24 माह की हो गई है, वह अब तक हीट में नहीं आई है, डीवर्मिंग में मिनरल दिया गया है, HF है। देखो भाई, हीट के बारे में मेरा एक बहुत ही बेहतर वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करें। बहुत से ऐसी वीडियो जो आप बीमारियों के बारे में पूछ रहे हैं उसके अंदर पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है कि आपको यदि पास ये मेडिसिन नहीं मिले तो ये मेडिसिन यूज में ले सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने पशुओं को हीट में नहीं आई है, 24 माह की कटड़ी है, मिनरल मिक्सर और डीवर्मिंग भी करा चुके हैं, कोई बात तो आप नज़दीकी किसी पशु चिकित्सक से चेक करवाएं, आपके पशुओं को क्या है, क्या स्ट्रेस है, एना स्ट्रेस है, सब स्ट्रेस है, या जो फोलिकुल है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो हीट में नहीं आ रही है तो आप उसको चेक करवाएं। पशु चिकित्सक बताएगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, वो तो चेक करने पर पता चलेगा कि सभी को जब हम चेक करेंगे तभी पता लगा पाएंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो आप इंजेक्शन लगवाएं, जैसे शुरू में वेट मेट या वेटेड इंजेक्शन लगवा लें, बाद में आप यदि नहीं हीट में आ रही है तो ल्यूटालाइज इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगा सकते हैं। कार्पस ल्यूटियम बन रहा है देखना पड़ता है, वो तो पशु चिकित्सक पर निर्भर है क्या देख के क्या बताएगा, लेकिन फिर भी आप अपने पशु को जैसे वेट मेट और वेटेड इंजेक्शन लगा सकते हैं। ल्यूटालाइज इंजेक्शन आप अपने पशु को 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। और अब संजय यादव कहते हैं सर पी सोडा क्या होता है, मेरी गाय बहुत मिट्टी खा रही है। देखो भाई, पी सोडा क्या होता है, जो एक सोडा फोस पाउडर आते हैं पी सोडा के नाम से, उसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट सबसे ज़्यादा होता है, इसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट होता है। यदि आपका पशु मिट्टी खा रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर यदि फास्फोरस की डिफिशियंसी है तभी आपका पशु मिट्टी खाता है। इसके लिए हम पी सोडा, जो सोडा फास्फोरस पी सोडा ये पाउडर देते हैं 100-100 ग्राम डेली के हिसाब से, इसलिए जो पी सोडा होता है वह सोडियम एसिड फास्फेट होता है, उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी वो फास्फोरस ही होता है इसके अंदर। इसलिए आप जो पी सोडा पाउडर ही आप अपने पशुओं को दे सकते हैं यदि आपका पशु मिट्टी खा रहा है तब। इसको दे, मेरा पशु ग्याबिन है, हेल्प ग्याबिन है तो क्या दिक्कत होगी, ग्याबिन है तो आप अपने पशु को पी सोडा दे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 100-100 ग्राम के अनुसार आप अपने पशु को दे सकते हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार दिग्विजय झा कहते हैं सर जी नमस्कार, पिछली बार भी मैं पूछा कि मेरी HF गाय जो कि पिछले ब्याह में 25 लीटर दूध देती थी लेकिन इस बार उसने 15 दिनों में मात्र 9 लीटर ही दूध आया, कृपया समस्या का समाधान। देखो भाई, दूध देने की कैपेसिटी में ये बता रहा हूँ कि बहुत से पशुपालक जो हमसे शिकायत भी करते हैं और बहुत से ऐसे आप भी क्वेश्चन करते हैं और मैं फील्ड में जाता हूँ, वो भी कहते हैं कि ये समस्या है, जो पहले 20 लीटर देती थी अब 10 लीटर में आ गई है, 25 लीटर देती थी अब 15 लीटर में आ गई है। तो एक मैं आपको ये बता दूं कि हर पशु की एक लिमिट होती है दूध देने की, उसका एक कंप्लीट दूध का होता है कि ये अपने ब्याहत में इतना ही दूध देगी। हो सकता है आपकी गाय ने जितना दूध दिया था वो आपने दूध उसका निकाल चुके हैं, उसके अंदर अब इतनी कैपेसिटी बची, आप कितनी भी मेडिसिन दे लो दूध बढ़ने, कई कई पशुओं का दूध बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि उनकी कैपेसिटी है वो आपको उतना दूध दे चुकी होगी। फिर भी यदि कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपके पशुओं में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, बताया मैंने नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ये होता है कि आपके पशु के अंदर जो मिलने वाली ऊर्जा है वो बाहर से मिलने वाली ऊर्जा से यदि कम है तो उसमें वो पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है और जो भी आप अपने पशु को खिलाते हैं तो वो आप अपने पशु को लग नहीं पाता और आपके पशु को पिछले ब्याह से दूध कम हो जाता है। इसलिए आप अपने पशु को जो पाउडर आते हैं या जो एनर्बूस्ट पाउडर आता है एनिमिक्स फार्मा का, वो आप अपने पशु को दे सकते हैं, समाधान के लिए बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि इनसे दूध बढ़ जाएगा। और एनर्जी बूस्टर आते हैं जैसे एनाबोलाइट आता है, एनाबोलाइट मिक्स आप अपने पशु को 200-200 ml देख के देख सकते हैं। इसी प्रकार एनरडाइना आती है या जो प्रोटीन सी लिक्विड आता है, ये आप अपने पशुओं को देख करके देख सकते हैं। और जैसे बोलस आती हैं, सिमलेज आती है, कैल्शियमस्ट बोलस आती हैं, यदि इनसे यदि आपके अपने पशुओं का दूध बढ़ता है तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो भाई साहब बिल्कुल भी दूध नहीं बढ़ेगा, इसकी ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो अपने दूध की कैपेसिटी पार कर चुकी है। अब अतुल पाठक कहते हैं कि सर मैं
काऊ की आंख में चोट आ गई और वो आंख को बंद करके रखती है, क्या करें? देखो भाई, आंख के अंदर चोट आ गई है तो आप ऐसा करें कि यदि आंख के अंदर बहुत ज़्यादा घाव हो गया है तो उसका वैसे ट्रीटमेंट करना पड़ता है, आंख के कई बार बहुत ज़्यादा चोट है या गहरी है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर भी यदि आंख में बंद कर रखी है, नॉर्मल चोट है, तो उसे बोरिक एसिड पाउडर आता है वो आप बोरिक एसिड पाउडर लें, कम से कम 100 ml पानी को गर्म करके उसे ठंडा करें और उसके अंदर आप जो बोरिक एसिड पाउडर आता है वो लेकर के आप अपने पशुओं को आँखों साफ करें पानी से उसे, और उसके अंदर बोरिक एसिड पाउडर घाल भी सकते हैं जिसके अंदर आँख के अंदर है, और कीटो आई ड्रॉप आती है वो आप अपने पशुओं को सुबह शाम डालें। हो सकता है जो इंजेक्शन लगा सकते हैं जेंटामाइसिन, ये इंजेक्शन 3 दिन लगाएं, आँख के नॉर्मल है तो आपकी आँख जो है वो ठीक हो जाएगी। अब नागराज गोट फार्म कहते हैं, नागराज गोट फार्म ओनली है सर, मेरे बकरे को प्रॉब्लम हो गई है, वह 52 kg का है, पीछे के पैर से बैठ गया और वह खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसकी आंखें गोल गोल घूम रही हैं। देखो भाई नागराज, यदि आपका बकरा पीछे से पैर से बैठ गया तो आपके बकरे को 100% विटामिन डिफिशियंसी है और वह गोल गोल आंखें घुमा रही है तो उसके विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी है, इसलिए आप इंजेक्शन जैसे बेरीविन B1, विटामिन B1 के जो इंजेक्शन आते हैं थायमिन, जैसे बेरीविन नाम से आते हैं इंजेक्शन, वो आप अपने बकरे को 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाएं 2 दिन, और जो ये प्रॉब्लम है तो उसे नर्वाइकल डिजीज़ भी हो सकती है, तो इंजेक्शन आप जैसे नर्वाइकल डिजीज इंजेक्शन है वो आप अपने बकरे को लगा सकते हैं, जिस प्रकार से मिकोवेट अक्सल, न्यूरोकाइन प्लस और नर्वाइकल डिजीज, वो इंजेक्शन लगातार 3 दिन लगवाएं, और जो न्यूरोकाइन प्लस सिर्फ आती है वो आप अपने बकरे को दें, जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। इसलिए आप उसके B1 यानी थायमिन की कमी है विटामिन B1। अब दीपक दीक्षित कहते हैं, क्या लिवोफेरोल प्रेग्नेंट गाय को दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? जितने भी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके, लियोफेरोल या कोई सा भी लियो विटाकाइन, लियो LA52 या जितने भी लीवर टोन है, वो आप अपने पशु को, प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट पशु को भी आप दे सकते हैं, 100 ml पर डे के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही फायदा होगा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आपको, अब चलो क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं, यदि आपको मेरी वीडियो जो कि वेट क्वेश्चन टॉक पर अच्छी लग रही है तो नीचे जाके आप कमेंट में ले सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता हूं, इसलिए आप मेरी इसी तरह से वीडियो देखते रहें। यदि जो मेरे चैनल के साथ जो नए जुड़े हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उसे मिलती रहे। तो थैंक्स, धन्यवाद।